हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉररलैंड। आज मैं आपके लिए डिस्टर्बिंग मूवी सीरीज़ का सेकंड वीडियो लेकर आया हूँ। आज जो मूवी हम देखने वाले हैं, इस मूवी का नाम है जूडी, जो कि 2014 में रिलीज़ हुई थी। और हर डिस्टर्बिंग मूवी की तरह बहुत सारे ब्रूटल सीन होने वाले हैं, तो अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो इस वीडियो को ना देखिएगा। तो चलिए आइए अब देखते हैं इस वीडियो को। ये कहानी शुरू होती है क्रिपी क्राफ्ट नाम के एक सर्कस से, जिसकी हालत अभी बहुत ही ख़राब थी और उनका शो देखने कोई भी नहीं आता था। अपना काम चलाने के लिए वे लोग कभी कभी सड़कों पर भी शो किया करते थे। वहीं पर हम सर्कस की मालकिन जेड को देखते हैं, जो कि क्रीपी क्लाउन का रोल करती थी। उसके साथ ही हम जैक, मैट और केट को भी देखते हैं, जो कि सर्कस में ही काम किया करते थे। सर्कस का शो हो या ना हो, सभी अपने अपने कैरेक्टर के हिसाब से अपने कॉस्ट्यूम पहने रखते थे। अब एक दिन दूसरे सर्कस में क्लाउन का काम करने वाले टॉम और जेड के सर्कस में काम करने वाली केट के बीच में झगड़ा होता है। टॉम केट को बहुत बुरी तरीके से मारता है, क्योंकि जेड ने उनके इलाकों में सर्कस का शो किया था। यहाँ तक कि टॉम केट को यह भी धमकी देता है कि सड़कों पर शो न करे, जिसके बाद में केट जेड के पास आती है। फिर जेड अपने एम्प्लॉय जैक के साथ में एक वुडन बॉक्स को चेन से खींच रही थी। उस वुडन बॉक्स में हर तरफ लंबी लंबी कीलें लगी हुई थी। केट जेड को टॉम की हरकतों के बारे में बताती है कि वो हर रोज उसे धमकी दे रहा था, इसलिए केट अभी सर्कस में काम नहीं करना चाहती थी। जेड उसे समझाती है कि सड़कें टॉम की नहीं है और वो किसी को भी वहाँ पर कुछ करने से नहीं रोक सकता। लेकिन अब केट ने अपना मन बना लिया था, उससे अब अपनी फैमिली के लिए नॉर्मल लाइफ जीनी थी और हर दिन वो सर्कस की वजह से किसी न किसी से झगड़ा नहीं मोल ले सकती थी। केट की बातें सुनकर जेड उसे घर के अंदर बुलाती है और जेड और मैट उस वुडन बॉक्स को भी घर के अंदर ले आते हैं। जेड के घर के अंदर कुछ क्रीपी डॉल लटकाई हुई थी, जो कि केट को बहुत ही अजीब लगती है। ऊपर से वो आज पहली बार जेड के घर पर आई थी। यहाँ पर हमें जेड की बातों से पता चलता है कि कुछ महीनों पहले केट सर्कस के पैसे लेकर भाग गई थी। उस समय तो जेड ने उसे माफ करके फिर से अपने काम पर रख लिया था, लेकिन इस बार वो दूसरे सर्कस वालों की बातों में आकर उनका सर्कस छोड़ रही थी और इस बात से जेड नाराज थी। तो अब जब केट ने उनका सर्कस छोड़ने का मन बना ही लिया था, तो आखिरी बार के लिए जेड उसे एक मैजिक ट्रिक दिखाने वाली थी। केट भी मैजिक देखने के लिए एक्साइटेड थी और तब जेड किसी मिस्टर सीजर को बुलाने लगती है, जिसके बाद में अपने आप वो वुडन बॉक्स खुलता है और उसमें एक रेड कलर की लाइट जल रही थी। साथ ही कुछ समय के लिए एक डॉल उस बॉक्स से बाहर आती है और फिर उस बॉक्स का डोर फिर से बंद हो जाता है। इस मैजिक को देखकर केट बहुत ही खुश थी। केट को भी क्यूरियोसिटी हो रही थी कि इस बॉक्स के अंदर क्या है, लेकिन जेड उसे बॉक्स में देखने को मना करके मेट के साथ में एक दूसरे रूम में चली जाती है। अब उनके जाते ही मौके का फायदा उठाकर केट उस बॉक्स को खोलकर उसके अंदर देखने लगती है और अंदर उसे टॉम की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी थी और बॉक्स की वो कील उसकी पूरी बॉडी के आर पार हो गई थी। फिर वहाँ पर जेड और मैट आते हैं, जिनसे वो झूठ बोलती है कि उसने बॉक्स को हाथ भी नहीं लगाया है। जेड के बार बार पूछने पर भी केट उसको झूठ ही कहती है। तब केट की नाक पर खून लगा हुआ था और जेड के कहने पर केट उस खून को साफ करने के लिए बाथरूम में जाती है। वहीं पर जेड अपने एक स्पेशल गन में एक्सप्लोजिव भरने लगती है। उसके बाद में जब केट बाथरूम से बाहर आती है, तो वो उसे वुडन बॉक्स ओपन दिखता है। तभी मिस्टर सीजर एक कुल्हाड़ी से उसके पीठ पर वार करता है। तब केट का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे कि बॉक्स के लगे कील पर गिरने से उसका चेहरा और हाथ जख्मी हो जाते हैं और उनमें से खून निकलने लगता है। केट दर्द से चिल्ला रही थी और जेड से हेल्प मांग रही थी। तभी वहां पर जेड आती है, जो कि उस एक्सप्लोजिव गन से केट के सर पर शूट कर देती है, जिससे कि उसका पूरा शरीर ब्लास्ट हो जाता है और केट की वहीं पर मौत हो जाती है। असल में वुडन बॉक्स जेड का सीक्रेट था और जेड के मना करने के बाद भी केट ने उसे खोला। ऊपर से केट ने टॉम की डेड बॉडी भी वहां पर देख ली थी, साथ ही केट ने उन्हें कई बार धोखा भी दिया था, तो इसलिए सर्कस वालों ने केट को इतनी बेरहमी से मार डाला। अब सीन कट होता है और कहानी मेरी नाम की एक लड़की की तरफ आती है, जो कि उसी शहर में अकेली अपने डॉग जूडी के साथ में रहती थी। मेरी की माँ उससे दूर दूसरी सिटी में रहती थी, लेकिन फिर भी दोनों हर दिन एक दूसरे से बातें किया करते थे। और आज भी जब मेरी शॉपिंग करके घर पर वापस आ रही थी, तो वो कार में ही अपनी माँ से बातें करने लगती है। उसकी माँ संडे को उसे घर बुला रही थी, क्योंकि संडे को उसकी आंटी का बर्थडे था, लेकिन मेरी अपनी आंटी के बर्थडे पर घर नहीं आना चाहती थी। वो अपनी आंटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उसकी माँ उसे घर आने के लिए फोर्स कर रही थी, तो इसलिए दोनों के बीच में थोड़ी कहासुनी हो जाती है। और हमें ये पता चलता है कि मेरी एक इंडिपेंडेंट ओपन माइंडेड लड़की है और इस बात को लेकर एक बार उसकी आंटी ने उसके कैरेक्टर को लेकर जज किया था। तब से लेकर आज तक मेरी अपनी आंटी से नफरत करती है। यहाँ पर मेरी एक जगह पर अपनी कार को रोककर अपनी माँ से बातें कर रही थी, तभी अचानक फोन कट जाता है और उस समय जेड उसी कार के पास में आती है, जो उससे कुछ पैसे मांगती है। बहुत देर से जेड किसी कार ओनर को अपना शिकार बनाने के लिए रुकी थी और फाइनली जेड को मेरी की कार वहाँ पर रुकी हुई दिखाई दी, तो वहाँ पर आ गई। मेरी को उसकी हरकतें बहुत ही अजीब लगती है,
तो इसलिए वो उसे वहाँ से जाने को कहती है। लेकिन जेड बार बार यहाँ वहाँ की बातें करके मेरी को परेशान कर रही थी। जब बात हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो मेरी अपनी गन निकाल कर जेड पर पॉइंट करती है और वहाँ से जाने के लिए उसे धमकी देती है। गन निकालते समय कुछ पैसे उसकी जेब से बाहर निकल जाते हैं और उन पैसों को देखकर जेड मेरी से नाराज होती है कि पैसे होने के बाद भी मेरी ने उसे थोड़े से पैसे भी नहीं दिए। जेड ने तो उसे पैसे के बदले मैजिक दिखाने की बात बोली थी और उसकी बातों से मेरी थोड़ा डर जाती है और कार स्टार्ट करके वहाँ से चली जाती है। उसके जाते जेड चिल्लाकर उसे कहती है कि उसे मेरी का बिहेवियर अच्छा नहीं लगा और उसे मेरी का फ़ोन नंबर उसके मैजिक से पता चल चुका है। अब यहाँ पर मेरी थोड़ा दूर जाकर अपनी कार को रुकती है और फिर से अपनी माँ को कॉल लगाती है और मेरी अपनी माँ को इस इंसिडेंट के बारे में सारी बातें बताती है। उसकी माँ ये सुनकर मेरी के लिए बहुत ही परेशान होती है। साथ ही वो मेरी को उसकी गन घर पर लॉक करके रखने को कहती है क्योंकि ऐसा ना हो कि कभी गलती से मेरी के हाथों गोली चल जाए और उसे जेल जाना पड़े। तभी हम देखते हैं कि जेड के सर्कस में काम करने वाला जैक मेरी की कार के डोर को बाहर से खोलने की कोशिश कर रहा था और मेरी अपनी माँ से बात करने में इतना ज़्यादा बिजी थी कि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। तो अब अपनी माँ से बातें खत्म होने के बाद में मेरी अपने घर चली जाती है और घर के अंदर जाने से पहले वो कार से उस गन को अपने साथ में ले लेती है। घर पर उसकी डॉग जूडी उसका वेट कर रही थी और वो मेरी को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मेरी भी जूडी से बहुत प्यार करती थी, वो जूडी ही उसके अकेलेपन का सहारा थी। अब एनीवेज घर के अंदर आते ही पहले तो मेरी अपनी गन को एक अलमारी पर लॉक करके रखती है, फिर शॉपिंग का सारा सामान सही जगह पर रखकर वो जूडी को बाहर घुमाने के लिए बीच पर ले जाती है। बीच पर दोनों एक दूसरे के साथ में एंजॉय करते हैं और कुछ देर के बाद में दोनों वापस घर आते हैं। जूडी को भूख लगी थी तो इसलिए मेरी उसे खाने को देती है और कुछ देर के बाद में वो अपने लिए खाना बनाने लगती है। तभी मेरी को किसी का कॉल होता है और वो कॉल उठाती है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा था, बस बैकग्राउंड से अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तो इसलिए मेरी फ़ोन कट कर देती है और इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। फिर अब मेरी खाना खा ही रही थी कि तभी उसे उसकी फ्रेंड मार्था को कॉल आता है। मार्था और मेरी एक साथ एक ही ऑफिस में काम करते थे और दोनों ही अपने बॉस से परेशान थी। फ़ोन पर दोनों अपने बॉस की बुराई करके मजे लेने लगती है। तभी मेरी को अपने पेट जूडी के भोंने की आवाज़ आती है। वो बाहर की तरफ जाकर देखती है तो वहाँ पर क्लॉथ रैक उसकी विंडो पर गिरी हुई थी। मेरी को लगता है कि जूडी ने गलती से गिराया होगा और वो उसे ठीक करती है और फिर अंदर आकर फिर से मार्था से बातें करने लगती है। दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि कल मेरी जूडी को वैक्सीनेशन के लिए वेट क्लिनिक पर लेकर जाने वाली है। कुछ देर बातें करने के बाद में मेरी फ़ोन काट देती है और जूडी के साथ में बेडरूम में चली जाती है। वहाँ पर मेरी एक बुक को पढ़ रही थी और जूडी उसके पास ही में सो रही थी। अचानक जूडी डोर के बाहर देखकर भौंकने लगती है और उस तरफ चली जाती है। डोर के दूसरी तरफ बहुत ही अंधेरा था और मेरी को वहाँ पर कुछ नहीं दिखता है और वो जूडी के सजीव बिहेवियर को इग्नोर करके सो जाती है। एक पल के लिए हम ऑडियंस को जेट के सर्कस के उन अजीब क्लाउंस के भयानक इमेज दिखाई देते हैं। इधर अगले सुबह मेरी उठकर नहाने चली जाती है और सुबह के खाने के लिए जूडी मेरी के आसपास घूम रही थी। मेरी बाथरूम से बाहर आती है और कल के अननोन नंबर को सेव करती है। एक बार वो फिर से उस नंबर पर कॉल करती है लेकिन इस बार भी दूसरी तरफ से कोई भी जवाब नहीं दे रहा था और फ़ोन काट देता है। इसके बाद में वो लिविंग रूम की तरफ आती है जहाँ पर उसे टेबल पर उसी अलमारी की दिखाई देती है जिसमें उसने अपनी गन को रखा था। उससे अच्छी तरीके से याद था कि उसने अलमारी की चाबियों को ऐसे ओपनली टेबल पर नहीं रखा था, लेकिन वो इस बात को इग्नोर करके जूडी के साथ बात करने लगती है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई इंसान मेरी के घर पर छुपा हुआ है और वो जिस रूम में है उसका दरवाज़ा वो बंद कर लेता है। दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ मेरी को सुनाई देती है। वो उस रूम में जाती है पर वो वहाँ पर कुछ चेक नहीं करती है और उस रूम के विंडो को बंद करके बाहर आती है। उससे ऐसा लगता है कि खिड़कियाँ खुली होने के कारण आवाज़ आ रही है। उसके बाद में मेरी जूडी को खिलाने के लिए कुकीज़ ढूंढने लगती है पर उसे किचन में कुकीज़ नहीं मिलती है। तब भी उसे याद आता है कि उसने जो कुकीज़ कल खरीदी थी वो तो कार में भूल गई है, जिसके बाद में वो जूडी को घर के अंदर छोड़कर कुकी लेने के लिए अपने कार की तरफ जाती है। जूडी विंडो से मेरी की तरफ देख रही थी पर जब उसे दूसरे रूम से आवाज़ सुनाई देती है तो उस तरफ भागती है। यहाँ पर मेरी कार में अपनी अलमारी की चाबी छोड़ देती है और कुकी लेकर मेरी जब घर के अंदर आती है तो उसे जूडी कहीं नहीं दिखाई देती है। बार बार आवाज़ लगाने के बाद भी जूडी उसके पास नहीं आ रही थी। वो जूडी की बॉल में एक मांस का टुकड़ा डालती है लेकिन उस मीट की खुशबू से भी जूडी वहाँ पर नहीं आती है, जबकि कुत्तों को मीट बहुत ही पसंद होता है। तभी उसे उसी अननोन नंबर से कॉल आता है। मेरी कॉल उठाती है पर इस बार भी दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि कोई इंसान मेरी के घर में छुपकर उस पर नजर रखे हुए हैं। उसके बाद में वो पूरे घर को चेक करती है और तब मेरी को एक विंडो खुली दिखाई देती है। उसे लगता है कि जूडी इस विंडो से बाहर निकली होगी,
तो इसलिए वो तुरंत जूडी को ढूंढने के लिए बाहर चली जाती है। मेरी बीच पर भी जूडी को ढूंढती है, लेकिन वहाँ भी उसे जूडी नहीं दिखती है। मेरी के लिए जूडी उसकी फैमिली से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, इसलिए उसके इस तरह गायब होने पर मेरी बहुत ही दुखी होती है। तभी उसे मार्था को कॉल आता है और वो उसे जूडी के मिसिंग होने के बारे में बताती है। मार्था इस बात से ज्यादा परेशान नहीं होती है। उसके मुताबिक डॉग ऐसे घर से निकल जाते हैं, लेकिन वो कुछ ही समय में वापस उस घर पर आ जाते हैं। पर मेरी के लिए जूडी का इस तरीके से गायब होना बहुत ही अजीब था। जूडी पहले कभी भी ऐसे गायब नहीं हुई थी। अचानक से मेरी अपने घर की छत पर कुछ नोटिस करती है और वो तुरंत भागकर अपने घर की छत पर जाती है, पर वहाँ पर उसे किसी की बस ड्रेस लटकी हुई दिखती है, जो कि मेरी ने खुद धोकर सुखाने के लिए रखी थी। तभी उसे उसकी माँ का कॉल आता है। वो उन्हें भी जूडी के मिसिंग होने के बारे में बताती है। वो मेरी को कुछ समय के लिए वेट करने को कहती है, क्योंकि उनके मुताबिक जूडी वापस आ जाएगी। लेकिन आधा दिन बीत जाने के बाद भी जूडी का कोई भी अता पता नहीं था। ऊपर से मेरी को बार बार उसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था, और जब वो कॉल को रिसीव करती थी तो उसे सामने से कोई भी जवाब नहीं मिलता था। अब मेरी जब बाथरूम में ना रही थी तो अचानक से उसे मेन डोर खुलने की आवाज आती है, जबकि कीज तो उसी के पास थी। वो चुपके से बाथरूम से बाहर देखती है तो उसे मेन डोर खुला हुआ दिखाई देता है, जिससे मेरी बहुत ही डर जाती है। धीरे धीरे वो मेन डोर की तरफ आगे बढ़ती है, तब उसे लिविंग रूम का फ्लोर थोड़ा टूटा हुआ दिखाई देता है। वो समझ जाती है कि उसके घर में कोई तो आया है। मेरी तुरंत अपने कपड़े पहनती है और अपनी कार की तरफ भागती है। कार से वो अपनी अलमारी की चाबी लेती है, जिस अलमारी में उसकी गन रखी हुई थी। उसे अभी भी शक था कि उसके घर में कोई है, तो इसलिए वो चुपके से घर में घुसती है और अलमारी से अपनी गन निकालती है। गन हाथ में लेकर वो एक एक करके सभी रूम को चेक करने लगती है। पहले वो दूसरे रूम में उसे विंडो खुली हुई दिखाई देती है, और उसे अच्छे से याद था कि उसने खिड़कियां खुली नहीं छोड़ी थी। एक पल के लिए उसे अपने बेड के नीचे किसी के होने का एहसास होता है, लेकिन चेक करने पर वहां पर कोई नहीं था। फिर अब मेरी अपनी माँ को कॉल करके बताती है कि उसे अपने घर में डर लग रहा है। उसे ऐसा फील हो रहा है कि उस पर कोई नजर रखे हुए है और किसी ने घर में घुसकर ही जूडी को गायब किया है। लेकिन उसे ऐसा भी फील होता है कि जूडी उसके आसपास ही है। पता नहीं वो जूडी है कोई और, लेकिन उसे अब घर में डर लग रहा है। मेरी की बातें सुनकर उसकी माँ उसे पुलिस को कॉल करने को कहती है। और खुद भी मेरी के पास में आना चाहती थी, लेकिन मेरी उन्हें वहाँ पर आने के लिए मना करती है और उसे प्रॉमिस करती है कि वो कुछ ही समय में पुलिस को कॉल कर लेगी। अपनी माँ से बात करने के बाद में मेरी बाथरूम में जाती है और वहाँ से वो स्लीपिंग पिल लेती है। और यहाँ पर मेरी अपने बाथरूम से भी डर रही थी। अब वो अपने बाथरूम का डोर लॉक करती है और अपना रूम में आती है, और वहाँ पर वो नींद की मेडिसिन लेकर सो जाती है। हम यहाँ पर देखते हैं कि मेरी जब सो रही थी तो किसी ने उसके घर के अंदर वही किलो वाला वुडन बॉक्स रख दिया है, जो कि हमने जेट के पास में देखा था। अगली सुबह मेरी अपनी नींद से उठती है और छुप छुप कर अपने रूम से बाहर निकलती है। वो देखती है कि उसके घर का कोई भी इलेक्ट्रिकल आइटम नहीं चल रहा है। मेरी को अब और भी ज्यादा डर लग रहा था, तो इसलिए वो मार्था को कॉल करके अपने घर पर बुला लेती है। लेकिन वो मार्था को झूठ बोलकर बुलाती है कि जूडी के मिसिंग पोस्टर प्रिंट करने के लिए उसे यहाँ पर आना होगा। मार्था भी उसे कुछ देर में वहां पर आने का प्रॉमिस करती है। फिर इसके बाद में मेरी अपने मेन डोर को पूरी तरीके से लॉक कर देती है। तभी उसे एक रूम का डोर खुला हुआ दिखाई देता है। वो गन लेकर चुपके से उस रूम के अंदर जाती है और वहां पर उसे विंडो खुली हुई दिखाई देती है। और विंडो को बंद करके वो जब पीछे मुड़ती है तो वहां पर जेट के सर्कस में काम करने वाला जेक उसे दिखाई देता है, जो उसे अपनी अजीब हरकतों से डराने लगता है। उसे देखते ही मेरी उस पर गोली चलाती है, लेकिन तब तक जेक वहां से भाग जाता है। मेरी तुरंत डोर को लॉक करती है और बेड को डोर के पास में लगा देती है। इस दौरान मेरी का फोन कट हो चुका था। किसी तरह वो अपने फोन को जोड़ती है और 911 पर कॉल करती है, लेकिन फोन बार बार कट हो रहा था। तभी मेरी को विंडो के बाहर मेट दिखाई देता है, जो उस रूम में घुसने की कोशिश कर रहा था। मेरी उसे शूट करती है, लेकिन उसे गोली नहीं लगती है और वहां से भाग जाता है। ये देखकर मेरी रूम से बाहर निकलकर बाथरूम की तरफ जाती है, लेकिन वहां की विंडो से भी मेट अंदर आने की कोशिश कर रहा था। तब मेरी बाथरूम का डोर लॉक करके खुद को अपने बेडरूम में लॉक कर लेती है, जिसके बाद में वो फिर से 911 पर कॉल करती है, लेकिन इस बार भी कॉल आधे में ही कट जाता है। मेरी किसी से भी हेल्प नहीं मांग पा रही थी। फिर अचानक से उसे लिविंग रूम से जूडी की आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज का पीछा करती है। वहां पर जाने पर मेरी को फ्लोर पर बहुत सारा खून दिखाई देता है, जो कि उसी वुडन बॉक्स से आ रहा था, और उसी किलो वाले वुडन बॉक्स के अंदर से जूडी के दर्द से तड़पने की आवाजें भी आ रही थी। उस बॉक्स में इतनी ज्यादा किलो घुसा रखी थी कि उस बॉक्स के अंदर जो भी होगा उससे बहुत ही ज्यादा दर्द से गुजरना होगा और उसकी मौत तड़प तड़प कर ही होगी। जूडी की आवाज उस बॉक्स से आता हुआ सुनकर मेरी शॉक्ड थी। वो तुरंत उन किलो को अपने हाथों से निकालने लगती है, जिस दौरान मेरी को भी अपने हाथों में बहुत ही चोट लगती है। उस बॉक्स को एक चेन से बांध कर रखा गया था, इसलिए मेरी उस बॉक्स को खोल नहीं पा रही थी। जूडी की दर्द भरी आवाज मेरी सुन पा रही थी, तो इसलिए एक पल के लिए वो जूडी को शूट करके मारने का भी सोचती है, ताकि उसे दर्द से छुटकारा मिले।
लेकिन मेरी जूडी से इतना प्यार करती थी कि वो उसे शूट नहीं कर पाती है। मेरी बस ये चाहती थी कि जूडी की मौत ना हो, लेकिन कुछ ही समय में तड़प तड़प कर जूडी की मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर एक विंडो के सामने जेड आती है, जो कि मेरी को कहती है कि ये उसकी गलती है। उसके देखते ही मेरी उस पर गोली चलाती है, लेकिन जेड को गोली नहीं लगती है, लेकिन मेरी खुद को बेडरूम में लॉक कर लेती है और वहाँ के सभी विंडो को भी लॉक कर लेती है। तो वहीं बाहर से जेड उसे ये कह रही थी कि इतने टाइम से वे लोग उसके घर में छुपे हुए हैं और मेरी को इसका पता भी नहीं चला। डोर बंद करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वे लोग अंदर आ ही जाएंगे। ये कहकर जेड मेन डोर को खोलने की कोशिश कर रही थी और तब तक मेरी ने डोर को लॉक कर दिया था और टेबल को मेरी ने डोर के सामने रख दी थी, जिस वजह से मेन डोर से जेड अंदर नहीं आ पाती है। और जेड उसे धमकी देती है कि वो उसको जान से मार डालेगी। यहाँ पर मेरी एक वॉशिंग मशीन को बाथरूम डोर के सामने लगाने का ट्राई करती है और उधर उसी वुडन बॉक्स की चेन अपने आप खुल जाती है और बॉक्स के अंदर से मिस्टर सीजर बाहर निकलता है, जो कि मेन डोर को अपने साथियों के लिए खोल देता है और फिर से उसी बॉक्स के अंदर चला जाता है। वहीं पर जेड अपनी वही एक्सप्लोजिव गन निकालकर उसके अंदर एक्सप्लोजिव भरती है और उसे लेकर बाथरूम की विंडो की तरफ जाती है। यहाँ पर मेरी को बाथरूम से एक कुल्हाड़ी मिलती है, जिससे वो बॉक्स को खोलने की कोशिश करती है, पर बॉक्स नहीं खुलता है। ऊपर से मिस्टर सीजर उसकी कुल्हाड़ी को बॉक्स के अंदर खींच लेता है, जो देखकर मेरी बहुत ही शॉक्ड थी। तभी बाथरूम डोर के पास से मेरी को एक डॉल दिखाई देती है, जिसका पीछा करके मेरी बाथरूम के अंदर आती है। लेकिन ये बस जेड की एक ट्रिक थी मेरी को बाथरूम तक लाने के लिए। और मेरी के वहाँ पर आते ही जेड उसके ऊपर एक्सप्लोजिव गन से शूट करती है, जिससे मेरी के हाथ के कई पार्ट ब्लास्ट हो जाते हैं। वो पूरी खून से लथपथ हो गई थी और उसके हाथ का मांस यहाँ वहाँ गिरा हुआ था। ऊपर से मेरी इतनी जख्मी थी कि उसके हाथ के अंदर की हड्डियाँ तक दिखाई दे रही थी। जेड उसके हालत पर हंस रही थी और कह रही थी कि मेरी ने उसके साथ में उस दिन बहुत रूडली बिहेव किया था, इसलिए मेरी को आज सजा मिली। अपनी हालत को देखकर मेरी दर्द से चिल्ला रही थी, उसके हाथ से खून निकलना बंद ही नहीं हो रहा था। वो एक टॉवल को लेकर ब्लड को रोकने की कोशिश करती है और किसी तरह बाथरूम से बाहर आती है। उसी समय मैट एक खिड़की से मेरी को देख रहा था और उसकी हालत पर हंस रहा था। अचानक से एक दरवाजे के होल से जेड वही एक्सप्लोजिव गन मेरी के फेस की तरफ शूट करती है, जिससे कि मेरी का आधा फेस ब्लास्ट हो जाता है और उसके चेहरे की हड्डियाँ दांत भी हमें बाहर तक नजर आ रहे थे और उसके आधे चेहरे का मांस निकल चुका था और हर तरफ खून ही खून था। मेरी बहुत ही दर्द में थी, लेकिन अपने जख्मी चेहरे की वजह से मेरी की आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। किसी तरह मेरी उसी कील वाले वुडन बॉक्स तक जाती है, ताकि आखिर में वो खुद को जूडी के पास में फील कर पाए। तभी जेड मिस्टर सीजर को वहां पर बुलाती है, जिसके बाद में उस बॉक्स में रेड लाइट जलती है, उस बॉक्स की चेन अपने आप खुल जाती है और बॉक्स के अंदर से मिस्टर सीजर बाहर निकलते हैं, जो कि मेरी के सर को कुल्हाड़ी से दो हिस्सों में काट देते हैं और मेरी की वहीं पर मौत हो जाती है। यहाँ पर हमें मूवी के आखिर तक मिस्टर सीजर का फेस नहीं दिखाया जाता है। और किलो वाले बॉक्स से निकलना, मेरी के सामने उसके ही घर में छुप रहना, ये बस जेड और उसके साथियों की मैजिक ट्रिक थी। बेसिकली वे सभी सीरियल किलर थे, जो कि छोटी छोटी बातों पर लोगों को बेरहमी से मार दिया करते थे। लोगों के सामने वे सभी स्ट्रीट पर सर्कस शो करते थे, लेकिन असलियत में वे सभी लोगों के खून के प्यासे थे। बस मेरी और जूडी की जिंदगी की भयानक एंडिंग के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी जूडी मूवी, जो कि वाकई में डिस्टर्बिंग मूवी है। वैसे तो मूवी में मैंने बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया है और ये मूवी मुझे कहीं नेट पर मिली भी नहीं। मैं अगर टेलीग्राम पर इसे डालूंगा तो ये भी आपके पास में चलेगी नहीं, तो आप बस इस वीडियो को एंजॉय करें। और मैं जल्द ही डिस्टर्बिंग सीरीज में एक और वीडियो लेकर आने वाला हूँ।